नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज एंड व्यूज में। मैं हूँ प्रिया वाजपेयी। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आपका फेवरेट शो सिने सीक्रेट, जहाँ बात होती है बॉलीवुड की गॉसिप से लेकर टीवी की दुनिया की हलचल की, और जहाँ आपको पता चलता है कि कौन सा सेलिब्रिटी क्या कर रहा है और इस हफ्ते बॉलीवुड की कौन सी मूवी हो रही है रिलीज। पर आज बात होगी सोनी टीवी पर आने वाले सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 11 की, जो सबसे ज्यादा सिंगिंग का पॉपुलर शो है, जिसके आम नहीं खास भी लोग काफी ज्यादा दीवाने हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट, जिनकी आवाज का जादू हर किसी के सर चढ़कर बोलता है। पिछले हफ्ते आपने देखा कि किस तरीके से कुमार शानू के गाने इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स ने गाए, और उनको सुनने के बाद कुमार शानू भी खुद को रोक नहीं पाए ये बोलने से कि हर कंटेस्टेंट की आवाज में क्या दर्द है और क्या सुकून है। लेकिन आप सबसे ज्यादा शॉकिंग की बात इंडियन आइडल के एपिसोड में ये रही कि बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके सनी हिंदुस्तानी से सबको ये उम्मीद थी कि वो कुमार शानू का गाना गाएंगे, लेकिन उन्होंने कुमार शानू का गाना ना गा के नुसरत फतेह अली खान का गाना गाया। इसके बावजूद भी उन्होंने कुमार शानू का दिल जीत लिया, और वो भी झूम उठे और सनी से बोले, क्या गाते हो बेटा तुम। और साथ ही साथ हमारी एनवी टीम को सनी का एक वीडियो मिला है, जिसमें सनी इंडियन आइडल के गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सनी का वो कौन सा गाना है जो वो इंडियन आइडल के एपिसोड में गाने वाले हैं और आप सबका दिल जीतने वाले हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सनी का ये गाना कैसा लगा, और चलिए देखते हैं सनी का ये वीडियो, जिसको सुनने के बाद आप भी ज़रूर झूम उठेंगे। हैव अ लुक टू दिस। साहब जी का बहुत ही फेमस सॉन्ग गाने वाला हूँ आज आप सभी के बीच। आज उनका बर्थडे है, तो उनका एक सॉन्ग हो जाए। हर निगाह पे पल खा के पी गया, नहरों से खेलता लहरों के बीच। सैड सॉन्ग छोड़ो भाई, आज चलेंगे खान साहब, सिर्फ खान साहब जी। नहरों तो मेरे ऊपर हमेशा था और हमेशा रहेगा, और उन्होंने रखा भी। अक्षय भाई लव यू मेरी जान। अक्षय भाई कैसे हो आप भाई? थोड़ा
किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है, किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है, किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है, किसी ने सहारा दीप छोड़ा है, किसी ने सहारा दे के छोड़ा है, किसी ने अपनी कहानी कैसे कही है, अपनी कहानी कैसे कही है, अपनी कहानी ना मंजिल है ना मंजिल का पता है, ना मंजिल है ना मंजिल का निशा है, कहाँ पे लाती छोड़ा है, किसी ने कहाँ पे लाती छोड़ा है, किसी ने अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। गुलाम नितिन साहब बढ़िया भाई, आप सुनो ये सॉन्ग। मैं सिर्फ उसमें फतेह अली खान साहब मेरे जो डैडी जी और मेरे भगवान जी है वो डेडिकेट कर रहा हूँ। न मंजिल है न मंजिल न मंजिल है न मंजिल का निशान है, न मंजिल है न मंजिल का निशान है, कहाँ पे लाके छोड़ा है, किसी ने कहाँ पे लाके छोड़ा। देश विदेश से लेकर आसपास की सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज एंड व्यूज को। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज एंड व्यूज। देश विदेश से लेकर आसपास की सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज एंड व्यूज को।